पर पटना से आ रही है, जहां जिला प्रशासन की जांच के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद किया गया है। कोचिंग के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। जिला प्रशासन की जांच के बाद खान जीएस कोचिंग बंद हुआ है। कोचिंग बंद रखने का नोटिस भी कोचिंग के बाहर चिपका दिया गया है और जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने कई खामियां पाई, जिसे लेकर कहा गया था कि इन कमियों को दूर कीजिए। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन इन कोचिंग संस्थानों में नहीं हो रहा है। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का हालांकि भरोसा दिया है। आपको बताते चलें कि पटना में खान सर की कोचिंग की जांच की गई और जांच करने गई टीम को यहां पर कई खामियां मिलती हैं। यानी कि जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वहां पर खामियां देखी गई, जिसके बाद अब इसे बंद किया गया है। और पटना से हमारे साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जांच के दायरे में पटना के तमाम कोचिंग सेंटर, लेकिन बड़ी खबर ये कि खान सर की कोचिंग में भी खामी और उसके बाद इसे बंद किया गया है। लेकिन डीएम चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जो है कल जांच कमेटी जो है लगातार जांच करने में जुटी रही और पटना के तमाम जो वैसे इलाके हैं, खासकर मुसल्लापुर, भिकना